नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत गजब की इन्वेस्टमेंट आ गई है। बजट देखो हाई है। आप सबको पता है कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट आजकल जंप ही करती जा रही है। छोटी इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही इस टाइम मार्केट के अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है, कॉन्शियंट हाइंस का 62 का रेट आ गया है। ठीक है, कॉन्शियंट हाइंस अपना दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ गया है दोस्तों, सेक्टर 62 गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर। और जो पहले इनका जो प्रोजेक्ट था कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट सेक्टर 59 के अंदर, वो फिर भी एक्सटेंशन रोड से थोड़ा सा अंदर जाके पड़ता था। वहां उसके पीछे गांव टाइप का कुछ एरिया ऐसा लगता है। और ये 62 ये बिल्कुल नजदीक पड़ता है एक्सटेंशन रोड के ऊपर। हो सकता है यहाँ से रैपिड जो मेट्रो का जो स्टेशन जो पड़ेगा वो पाइनियर पार्क जो का जो चौक बनता है रेड लाइट, उसके ऊपर वहां पे बनना है। क्योंकि हर चौक के ऊपर फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन प्रपोज है, तो उसके साथ यहाँ पे एक्सटेंशन रोड के साथ में जितने भी जो सेक्टर्स लगते हैं, हर सेक्टर का वहां पे चौराहा बनता है, यानी चौक बनता है। ठीक है, उसी चौक के जस्ट 2 मिनट का रास्ता है, आपके पाइनियर प्रीजीडिया के साथ में लैंड है, उसके ऊपर 5 एकड़ के अंदर कॉन्शियंट हाइंस अपना दूसरा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर चुका है। और वहां पे 2 टावर ये लॉन्च करने वाले हैं, 44 स्टोरी अपार्टमेंट्स रहेंगे दो। ठीक है, 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 44 स्टोरी यानी पूरी अरावली व्यू रहेगी, क्योंकि 44 स्टोरी वहां आसपास कोई अपार्टमेंट नहीं है हाई राइज के अंदर। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आप जानते हैं कि एलिवेट के अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला था। अगर मैं पुराने प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहां पे इन्होंने एलिवेट के अंदर 10,500 का रेट ओपन किया था। ठीक है, 2019 की बात है, और 2019 लॉन्च प्राइस ये था। 2023 के अंदर रिसेल प्राइस की बात करूं तो 20,500 प्लस का रिसेल प्राइस है। ठीक है, इसी के अंदर इन्होंने 2023 में ही अभी इन्होंने फेज 2 में कुछ यूनिट ओपन करी थी, 20,500 प्लस 22,500 के रेट से। ठीक है, ये अभी इन्होंने कुछ यूनिट ओपन की थी जो कि बिक गई है। इसमें भी ट्राई करना पड़ेगा कुछ है। अभी अगर 2023 की बात करूं इनका न्यू जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 62 का, तो यहाँ पे जो रेट आता है इनका का 20,000 प्लस के रेट में यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ पे डेवलपर कहता है भाई 0 डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट वाला मत लियो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लेनी है तो लो, क्योंकि दो टोटल ही आपकी 240 यूनिट है, सिर्फ 2 अपार्टमेंट है। ठीक है, और वो भी अपार्टमेंट है आपके 44 स्टोरी। ठीक है, उसके बाद क्लब है 4 फ्लोर का, ग्राउंड से 4 फ्लोर आपके क्लब आते हैं। फ्लैट आपके जब शुरू होंगे वो होंगे 4th फ्लोर 17, फिर 19 से 27, और फिर 28 से लेके 35 तक, फिर 37 से लेके 44 तक, यानी बीच में 3 फ्लोर खाली है, यानी 3 फ्लोर है वो खाली है। वो ओपन एरिया यानी आपका जो ओपन एरिया टाइप का सिस्टम कुछ ऐसा बनाएंगे, अभी कुछ क्लियरिटी आई नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि हर 3 फ्लोर होंगे बीच बीच में खाली, उनके ऊपर वो तो ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे या कुछ क्लब हाउस कुछ इस तरीके का सिस्टम रखेंगे, या कोई स्विमिंग पूल बनाएंगे, या कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें 3 3 फ्लोर का है वो गैप है दोनों दोनों टावरों के अंदर। दोनों टावरों में 3 3 फ्लोर वो खाली छोड़ेंगे, और ये 44 तक है, 4th फ्लोर से आपके फ्लैट है वो शुरू होने वाले हैं। 3 लेवल की जो है वो पार्किंग है आपकी बेसमेंट के अंदर। ठीक है, वो 3 लेवल की पार्किंग आने वाली है, 0 व्हीकल मूवमेंट है आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, यानी कोई व्हीकल नहीं आएगा ग्राउंड फ्लोर पे, डायरेक्ट आपका जाएगा कहाँ, बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर व्हीकल जाएगा, वहीं से आपने आना है और वहीं पे आपकी लॉबी वगैरह है वो बनेगी। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये आप जल्द ही सोल्ड आउट सुनने को दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें जो यूनिट है वो 240 यूनिट ही है टोटल, कोई ज्यादा नहीं है। और आपने देखा है कि कॉन्स्टेंट हाइंस की जो रिसेलिंग वैल्यू ऑलमोस्ट डबल है आज के टाइम, या आप 100% की आरओआई आप समझ सकते हैं, रिटर्न है वो 100% यहाँ देखने को मिले है। क्योंकि अगर रीसेल में आप इतने के रेट में खरीदोगे तो इतना ही आपके नए फेस की वैल्यू लॉन्च कर दी है, तो यानी रीसेल को और फ्रेश को मैच ही हो गए हैं।
दूसरी बात बात करते हैं कि जो नया प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रेडी हो गया है। इसमें फेज वन है जो आज रीसेल हो रहा है, वो अभी दिसंबर में फेज वन सोल्ड आउट हो जाएगा। फेज टू की पोजीशन होगी अगले साल, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग वो जल्दी जा रही है। और यहाँ पे जो फंडिंग है जो अभी वाले प्रोजेक्ट में है, यहाँ आपको 4 से 5 साल का टाइम मिलेगा। आपकी जो फंडिंग है वो धीरे धीरे जाएगी, तो अगर इस रेट में ये चीजें मिल रही ही हैं तो ले लेनी चाहिए। जीरो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के लिए कॉल मत करना दोस्तों, ठीक है? ये है, आपको मैं कंफर्म अलॉटमेंट दे सकता हूं, कंफर्म अलॉटमेंट, ठीक है? इसके लिए कॉल कर सकते हो। और ये भी, आप अगर वीडियो देखे, हो सकता है आप वीडियो जब देखे आप लेट हो चुके हो, क्योंकि रेरा है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है? और यूनिट है, जल्द ही इस प्रोजेक्ट को सोल्ड होते हुए नजर आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि महंगे रेट हैं, बहुत ज्यादा है, अभी तो ये रेट कुछ नहीं दोस्तों, बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, और भी बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। जीडीपी के अंदर जब आप जाओगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे कि ये जो प्राइस है ये तो कुछ भी नहीं है अभी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जा रहा है, हर कंसेप्ट के अंदर आप देखोगे ना बहुत ग्रोथ मिल रही है, इसलिए ये रियल एस्टेट मार्केट पंप कर रही है, क्योंकि इनकम जो अपनी आय है वो बढ़ती जा रही है। तो आप आगे देखने वाले समय के अंदर ये चीजें बहुत आप हाई देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये अच्छा टाइम है, अगर ट्राई करना चाहते हैं, आपका बजट इतना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लमसम 2700 स्क्वायर फीट के अराउंड है आपका 3 BHK, और 3300 स्क्वायर फीट का आपके लमसम है 4 BHK, 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट है। तो ये साइज है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसकी डिटेल लेना है इस प्रोजेक्ट की, तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे हमने पहले ही डिटेल अब डाल चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों नए प्रोजेक्ट में, थैंक यू।